कि बिहार में आंगनवाड़ी सेविका का वेतन कितना है, तो सरकार ने इनके देय भत्ता पर 1 अप्रैल 2024 के प्रभाव से वृद्धि करने का निर्णय लिया है। आंगनवाड़ी सेविका को अभी 5,950 रुपये भत्ता के रूप में मिलते हैं, जिसे बढ़ाकर 7,000 रुपये किया गया है। इसी प्रकार सेविका को मिल रहे 2,975 रुपये को बढ़ाकर 4,000 रुपये किया गया है। आपको बता दूं कि बिहार में आंगनवाड़ी सहायिका का वेतन कितना है, तो ऐसे में बिहार में अब खेल विभाग अलग होगा। पहले कला संस्कृति मंत्रालय के तहत खेल विभाग आता था, वही कैबिनेट की बैठक में आंगनवाड़ी सेविका का मानदेय 5,950 से बढ़ाकर 7,000 कर दिया गया है। सहायिका का मानदेय 2,975 से बढ़ाकर 4,000 करने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीएम नीतीश कुमार ने बिहार में हड़ताल के दौरान बर्खास्त की गई आंगनबाड़ी सेविकाओं को और सहायताओं को अच्छी खबर दी है। सीएम नीतीश के आश्वासन के बाद बर्खास्त की गई 18,000 के करीब आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायकों को फिर से बहाल किया जाएगा। शनिवार 6 जनवरी को खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से एक अन्य मार्ग स्थित लोक संवाद में आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायकों के शिष्टमंडल ने शिष्टाचार मुलाकात की। शिष्टाचार मुलाकात के क्रम में आंगनबाड़ी सेविकाओं एवं सहायिकाओं ने अपनी समस्याएं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने रखी है। आपको बता दूं कि मानदेय में भी होगा सम्मानजनक वृद्धि। मुख्यमंत्री ने आंगनबाड़ी सेविकाओं एवं सहायकों की समस्या को सुनने के बाद कहा कि राज्य में आंगनबाड़ी सेवाओं में बेहतरी के लिए कई कदम उठाए गए हैं। आंगनबाड़ी सेविकाओं एवं सहायकों का मानदेय में समय समय पर वृद्धि की जा रही है। उन्होंने कहा कि आप सबने जो मांग की है उसके आधार पर आंगनबाड़ी सेविकाओं एवं सहायकों के मानदेय में सम्मानजनक वृद्धि की जाएगी। उन्होंने कहा कि जो आंगनबाड़ी सेविकाएं एवं सहायिकाएं हड़ताल अवधि में चयन मुक्त कर दी गई थी उनकी वापसी की जाएगी। आपको बता दें कि अपनी मांगों को लेकर पिछले साल 2023 राज्य भर की आंगनबाड़ी में काम करने वाली महिलाएं हड़ताल पर चली गई थी। आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं ने पटना में प्रदर्शन भी किया था, उन पर लाठीचार्ज भी हुआ था। हड़ताल खत्म कर वापस लौटने के लिए कहा गया था, जो नहीं गई उन्हें सेवा मुक्त करने की चेतावनी दी गई थी। चेतावनी का असर नहीं हुआ और राज्य में 10,203 आंगनबाड़ी सेविका और 8,016 सहायकों को सेवा मुक्त कर दिया था। अब इन कर्मियों के लिए हित में नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान किया हुआ है। आपको बता दें कि 7 जनवरी बिहार में 18,220 आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं का चयन मुक्त आदेश वापस लेने व सम्मानजनक मानदेय में बढ़ोतरी का निर्णय मुख्यमंत्री द्वारा लिए जाने के लिए चयन मुक्ति आदेश वापसी अभियान समिति और बिहार राज्य आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन एक्टू ने मुख्यमंत्री व महागठबंधन सरकार को विशेष धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए रविवार को मार्च निकाला सभा किया था। आपको बता दें बिहार राज्य आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन के पश्चिम चंपारण ने संरक्षक सुनील कुमार राव ने कहा कि हमारे आग्रह पत्र और अभियान को मुख्यमंत्री व महागठबंधन सरकार ने गंभीरता से संज्ञान में लिया और त्वरित कदम उठाया। हम मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हुए वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी व समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी के भी आभारी हैं, जिन्होंने मामले को मुख्यमंत्री के संज्ञान में मजबूती से लाने का काम किया। आपको बता दें कि विदित हो कि बिहार राज्य आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन ने चयन मुक्त आंगनबाड़ी कर्मियों को 24 दिसंबर को राज्य स्तरीय बैठक कर सरकार को आग्रह पत्र के माध्यम से चयन मुक्ति आदेश तत्काल वापस लेने का आग्रह किया था और इसके लिए 7 जनवरी को सत्याग्रह आंदोलन चलाने का निर्णय किया था। आग्रह को स्वीकार कर मुख्यमंत्री ने 7 जनवरी की पूर्व चयन मुक्ति आदेश वापस ले लिया है। इसलिए कल 7 जनवरी को सत्याग्रह आंदोलन को स्थगित कर सरकार व मुख्यमंत्री को धन्यवाद सभा कर धन्यवाद दिया। आंगनबाड़ी सेविकाओं के प्रखंड संरक्षण संजय यादव ने कहा कि शशि यादव
माले विधायक में महबूब आलम, सत्यदेव राम और संदीप सौरभ को भी विशेष धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने मुख्यमंत्री को आग्रह पत्र भेजा था। बिहार राज्य आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन की जिला की संयोजिका शारदा देवी ने कहा कि कुछ फर्जी संगठनों के भाजपा के साथ साथगांठ की वजह से सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर सेविका सहायकों का चयन मुक्त कर दिया था।